आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं मक्का की रोटियां बनाना सिखाती हूँ आपको। सबसे पहले आटा मारना देख लीजिए, क्योंकि आटा ही सबसे मेन चीज है। आटा ही ठीक से बनेगा तो रोटियां अच्छी बनेंगी। साग हमने पहले से ही बनाकर रख लिया था। जितना हम इसको मैश करेंगे उतनी ही अच्छी रोटियां बनेंगी। इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करना, शेयर करना। थोड़ा सा हम तवे पे घी लगा देते हैं, जिससे आराम से पक जाती हैं रोटियां। ये हाथ से ही बनानी पड़ती है। हाथ से बनाएंगे तो अच्छी लगेंगी। चकले से बनी हुई रोटियां इतनी अच्छी नहीं लगती हैं। थोड़ा सा पानी का हाथ लगाइए और आराम से धीरे 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 धीरे, जो तेजी से बनाएंगे तो अच्छी नहीं बनेगी, टूटेंगी, परेशान करेंगी। इसलिए बिल्कुल आराम आराम से, आराम आराम से जितनी आप चाहें उतनी बड़ी बना सकते हैं। ऐसे ही हम दूसरी रोटी बना लेंगे। थोड़ी हो जाएगी तो फिर हम इसको पलट देंगे। बिल्कुल आराम आराम से इसको पलट दीजिए। अब हम दूसरी रोटी ऐसे ही बना लेंगे। इसे बनाने में जल्दबाजी ना कीजिए, बिल्कुल आराम आराम से बनाएंगे तो आपकी रोटी सही बनेगी, टूटेगी नहीं। अब ये हमारी दूसरी तरफ से भी तैयार हो गई है। थोड़ी खड़ी करके सेकेंगे तो 20 तक की सिक जाएगी। देखो ये कितनी अच्छी रोटी बनी है। ऐसे ही हम और बना लेंगे। ये एक तरफ से हो गई है तैयार, ठीक है, दूसरी तरफ का हो जाएगी। अब हम इस पर घी लगा लेते हैं। ये हो गई आपकी मक्का की रोटी तैयार। आप इसे साग के साथ, दाल के साथ खा सकते हैं।